नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मंगलवार व्रत के 11 नियम बताने जा रहा हूँ जो अत्यंत ही आवश्यक नियम माने जाते हैं। कहते हैं इन नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति का भगवान हनुमान समस्त इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। कहते हैं हनुमान जी के मंगलवार का व्रत जो भी व्यक्ति रखता है उसको राजा के समान ख्याति प्राप्त होती है तथा उसके पुत्र और धन प्राप्ति की इच्छाएँ इस व्रत से पूर्ण होती हैं। और इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को गेहूं तथा गुड़ से बना भोजन ही ग्रहण करना चाहिए तथा वह दिन में या रात्रि में एक बार ही भोजन ग्रहण कर सकता है। यह व्रत 21 हफ्तों तक रखे जाते हैं और इस व्रत को रखने मात्र से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं और तथा मनुष्य को जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह लाल पुष्प तथा लाल वस्त्र धारण करके ही भगवान हनुमान की पूजा उसको करनी चाहिए तथा पूजा करने के बाद उसे कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। इस दिन लाल वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहता है तथा हनुमान जी को लाल पुष्प, लाल सिंदूर तथा लाल वस्त्र अवश्य चढ़ाने चाहिए तथा शाम को बेसन से बने लड्डू या खीर का भोजन ही करना चाहिए और इसी का ही भोग लगाना चाहिए। इस दिन नमक रहित भोजन का विशेष महत्व है। मंगलवार के व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है। मान्यता यह है कि मांगलिक दोष से पीड़ित जातकों को भी मंगलवार का व्रत रखने से लाभ होता है तथा शनि की महादशा, दहिया, साढ़े साथी से परेशान व्यक्ति को भगवान हनुमान अत्यंत शीघ्र उनको इन बाधाओं से मुक्त कर देते हैं तथा उन्हें धन, यश एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं। पर इन व्रतों को रहने के लिए नियमों का पालन अति आवश्यक माना जाता है और इन नियमों का जो पालन करता है वह समस्त सुखों को भोगता हुआ भगवान हनुमान की शरण में चला जाता है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए दिव्य दृष्टि के साथ, देखते रहिए रोचक जानकारी भरे वीडियो और अभी सब्सक्राइब कर देना।